अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएफ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सिंपल सी चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी। ये रेसिपी झटपट बनकर भी रेडी हो जाती है और एकदम टेस्टी भी बनती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोनलेस चिकन ले लेना है। ये आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन को अच्छे से वॉश कर मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है। अब इसमें मसाले डाल देंगे। एक चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे। एक आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, दरदरा पिसा हुआ धनिया जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें हल्की सी हल्दी और आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे। अब बारीक कट करके इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें हमें बाइंडिंग के लिए एक अंडा डाल लेना है। अब इसमें हम कांदे का बिरिस्ता डाल देंगे। एक कांदे को हमने फ्राई करके ले लिया था, इसको अभी हाथों से चूर कर हमें इसमें डाल देना है। अब कांदे का सारा बिरिस्ता डाल दिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे दो चम्मच मकई का आटा। मकई का आटा डालने से टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हो, नहीं तो आप इसमें गेहूं का आटा भी एक चम्मच डाल सकते हो। अभी सारे मसाले को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सारा मसाला हमने चिकन में मिक्स कर लिया है। अभी हमें इसके कोफ्ते बना लेना है। हाथों में हल्का सा तेल लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है। आपको जितना चाहिए वो हिसाब से आप बना लीजिए। अब मैंने पहले से ही तेल कढ़ाई में गर्म होने रख दिया था। अभी इसमें एक एक करके हमारे चिकन के कोफ्ते डाल देना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसमें पहले कोफ्ते डालकर एक सेकंड के लिए सेट होने देंगे। डायरेक्ट हम इसे हिलाएंगे नहीं। जब एक सेकंड के लिए वो सेट हो जाए तेल में, तो इसे हम चम्मच मारकर अल्टी पल्टी कर लेंगे और अच्छे से सारी तरफ से इसे हमें फ्राई कर लेना है। अब हमने सारी तरफ से चम्मच मारकर कोफ्ते अच्छे से फ्राई कर लिए। अभी इसे प्लेट में निकाल देंगे और ऐसा ही करके सारे चिकन के कोफ्ते पहले हम फ्राई करके ले लेंगे। अब हमें चिकन कोफ्ता करी बनाने के लिए इसकी ग्रेवी बना लेंगे। दूसरे गैस पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। ये दो बड़े चम्मच तेल है। अब इसके अंदर हम गरम मसाले डाल देंगे। मैंने आधा चम्मच इसमें जीरा और एक टुकड़ा दालचीनी का और एक स्टार फूल और तेज पत्ता एक डाल दिया है। अभी इसे तेल में एक सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। जब ये तड़कने लग जाए तो इसके अंदर मैंने दो मीडियम साइज के अनियन का मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लिया है। अभी इसे हमें तेल में डाल देना है और अच्छे से इसे दो मिनट के लिए भून लेना है कि कांदे की सारी स्मेल निकल जाए और उसका सारा कच्चापन निकल जाए। अब कांदे को एक दो मिनट के लिए मैंने अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसे भी कांदे में मिक्स कर एक सेकेंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर भी मिक्सी जार में डाल के पीस लिए। आप डायरेक्ट भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मैंने इसमें सारी चीज़ें पीस कर डाली है। अभी टमाटर को भी मिक्स करके हमें अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम पाउडर मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। मैंने अखा गरम मसाला भी डाला है इसलिए हमने आधा चम्मच ही डाला और आधा चम्मच इसमें हमने चाट मसाला डाल दिया है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला है, वो हिसाब से इसमें डालना है। हल्का सा नमक हम पहले कम रखेंगे, लास्ट में हम नमक चक्कर डाल सकते हैं। अभी मसाले को अच्छे से हमें स्लो फ्लेम पे भून लेना है। इसे ढककर 5-10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे मसाले को भूनेंगे। बीच बीच में हमें इसे हिलाते भी रहना है। 10 मिनट बाद लीड ओपन कर ली है मैंने। मसाला अब हमारा अच्छे से भून चुका है, इसका तेल भी ऊपर आ चुका है। अभी इसके अंदर हम चम्मच मारकर लास्ट में इसमें अब हमें दही डालना है। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और दही को अच्छे से फेंट कर डाल देंगे। ये 2 चम्मच जितना मैंने दही डाल दिया है। अभी वापस से मिक्स करके इसे 1-2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। अब दही का पानी भी इसमें सूख चुका है। इसमें अब हम
दो गिलास जितना पानी डाल देंगे। आपको जितना ग्रेवी रखना है, थिक रखना है, आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। अभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पहले बॉईल आने देंगे। ढककर इसमें एक मिनट के लिए बॉईल ले लेंगे। बॉईल आने के बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें कोफ्ते डाल देने। आपको जितने कोफ्ते ग्रेवी में डालने हैं आप वो हिसाब से डालें, और ग्रेवी भी ठीक अपने हिसाब से आप रख सकते हो। अब इसमें मैंने कोफ्ते डाल दिए, अभी इसे मिक्स कर देंगे। साइड साइड से चम्मच मारकर इसे हमें मिक्स कर लेना है। अभी इसे भी एक मिनट के लिए हम पकाएंगे ढककर, क्योंकि इसमें कोफ्ते में हमारे ग्रेवी का सारा मसाला चले जाए और थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अभी एक मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से बॉईल ले लिया है। सारी चीज़ें हमारी पकी थी, इसे हमें बॉईल लेना था। अब इसमें बारीक कट करके ऊपर से हमने हरा धनिया डाल दिया है। ये सिंपल सी चिकन कोफ्ता करी आप भी ज़रूर घर पर ट्राई करना। लास्ट में आप इसमें नमक टेस्ट करके डाल दीजिए। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी सिंपल सी चिकन कोफ्ता करी बनकर रेडी है। इसे आप रोटी के साथ या स्टीम राइस के साथ सर्व कीजिए। ये सिंपल सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।